हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद पवन यूट्यूब चैनल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें अगर आपने यहां पर अपना फुल टाइम बीटेक या फिर बीएससी डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप यहां पर ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हुई है, जिसमें यहाँ पर आपको 18 लाख CTC ऑफ़र करने वाले हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेस पे एलिजिबल होने वाले हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। और इसकी अप्लाई करने की तारीख 4 जनवरी से शुरू हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 2 फरवरी को रखी गई है। तो आप इसके बीच में इनके वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूं। तो यहां पर फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये रहने वाली है। तो अगर आपने यहाँ पर कोई ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की है या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसे यहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाने वाला है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहां पर पहले ही बता दिया है कि आपको यहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास यहां पर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, और अगर वीडियो को छोड़ रहे हैं तो वीडियो पर लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो जानेंगे सभी डिटेल्स में क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रहने वाला सिलेक्शन प्रोसीजर। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो गेल की तरफ से यहाँ पर काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो हम एक एक करके यहाँ पर सारे पोस्टों को डिस्कस करते हैं। तो जो ये चीफ़ मैनेजर की पोस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसे मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। लेकिन जो ये सीनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आई हुई है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में इन टोटल 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, और केमिकल में 13, मैकेनिकल के लिए 53 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 28 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन में 14, और मेटलर्जी में 5, और फायर एंड सेफ्टी में 25, और CNP में 32 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अगर आप इन सारे ब्रांचेस से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगी, जिसमें यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये सीनियर इंजीनियर में यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेस एलिजिबल होने वाले हैं, तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना। तो अगर हम यहाँ पर सीनियर इंजीनियर की पोस्ट की अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में E2 ग्रेड के लिए आपको 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आपका पे स्केल रहने वाला है, जिसमें अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है, और यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल। तो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स मांगा गया है, और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था। उसी तरह केमिकल में अगर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ पर अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रहने वाली है। तो मैकेनिकल में भी उसी तरह यहाँ पर 65% मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो मैं सारे पोस्टों को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर सेम ही रहने वाले हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बाकी सारे ब्रांचेस के लिए भी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे नोटिफिकेशन से रीड कर लेना। मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे ब्रांचेस एलिजिबल होने वाले हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको किस पोस्ट में यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर नोटिफिकेशन में अगर आगे बढ़ें और देखें कि यहाँ पर और क्या रिक्वायरमेंट्स मांगे गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। और अगर आपने यहाँ पर BE BTEC और ME MTEC डुअल डिग्री प्रोग्राम अगर कर रखा हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। और अगर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो इसकी भी कोई चिंता नहीं है। जिसमें से अगर आप ST या फिर SC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है।
और जो 60% क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पर जनरल वालों के लिए रखा गया है, लेकिन अगर आप कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 55% मार्क्स मांगे गए हैं। और यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो एज को लेकर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर यहाँ पर सैलरी की अगर बात करें तो E2 ग्रेड में यहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसमें आपका इनिशियल बेसिक पे जो रहेगा वो 60,000 रहेगा। तो जो आपकी इन एंड सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड यहाँ पर 90 to 1 lakh के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना। तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सैलरी के साथ साथ आपको बाकी सारे अलाउंसेस भी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि HRA, मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व्ड EWS या फिर OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 200 rupees एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, और अगर आप यहाँ पर SC या फिर ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। तो आई थिंक यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी ज़्यादा नहीं रखी गई है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आप इन ब्रांचेस से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना। ये हो गई एप्लीकेशन फ़ीस की बात। और अगर अप्लाई करने की अगर बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया था कि 4 जनवरी से इसकी अप्लाई करने की तारीख शुरू हो गई है, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 2nd of February रखी गई है। और अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना रहेगा, तो आपको वहाँ जाकर ही अप्लाई करना रहेगा। और इसकी अप्लाई करने की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर से रीड कर लेना। काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए रहते हैं, तो बाय चांस अगर मैं कोई पॉइंट्स अगर मिस कर देता हूँ इनकेस, तो आप उसे नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। और कुछ डाउट भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना, ताकि आपको अप्लाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी यहाँ पर अप्लाई करने की प्रोसेस है। और हेल्थ एंड मेडिकल फ़िटनेस भी यहाँ पर मांगी गई है, तो आपको यहाँ पर मेडिकली फ़िट रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। तो जो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, तो शायद आपके परसेंटेज के बेसिस में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एनीथिंग कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि कुछ रिटर्न एग्ज़ाम या फिर कुछ एंट्रेंस वगैरह कुछ भी यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप अभी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपको आपके परसेंटेज के बेसिस में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आपका परसेंटेज अगर कॉलेज में अगर अच्छे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। चलिए इस अपडेट के लिए इतना ही। तो अगर आप यहाँ पर इन ब्रांचेस से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई कर लेना, और अगर आपके पास यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। तो इस अपडेट के लिए इतना ही, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जो अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड